जिंदगी में कभी भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म नहीं सुनता तो वो तो फ्लैटरी में बिलीव करता है, तो क्रिटिसाइज भी, क्रिटिसिज्म से आप एजुकेट ज्यादा होते हैं और संभलते हैं। अच्छा एनीवे, नाउ बैक टू दिस। देखिए मैं, आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत उम्दा है, उसमें हर चीज है, मगर ग्राउंड रियलिटी से ऐसा है जो चलान करते हैं। भोपाल में मैं गया, तीन तीन बंदे बैठे हैं स्कूटर के ऊपर, सड़क पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहा, रेड लाइट की हमें ऐसा है, मैं दुनिया की 18-19 कंट्रीज देख चुका हूँ, अगर कोई हॉर्न बजा जाता है ना तो ऐसा लगता बम फट गया है पीछे। हमारे यहाँ पे कुछ नियम नहीं है, वहां से स्टार्ट करें ना, ऊपर देखिए, ऊपर से जो डेफिनेटली आपसे मैं एग्री करता हूँ करना है हमें, और प्रभु ने हमें भेजा है। मैं आपकी थोड़ी बात काटूं यहाँ पे, जो आप बात कह रहे हैं उसी को कैसे करना है, ठीक है ना? कैसे करना? देखो मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि जिस मॉडल पे हम वर्क कर रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ये संभव नहीं है, ठीक है ना? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आपने जो है ना डिपार्टमेंट ओरिएंटेड फंक्शनिंग रखी है, राइट? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब डिपार्टमेंट का काम ही रेंट सीकिंग बिहेवियर है। जिस डिपार्टमेंट का काम जिस चीज को रोकना है, वो उसी चीज को जो है प्रोटेक्शन और पैट्रोनाइज कर रहा है। आप याद करिए, जब हम नौकरी में आए ही थे उस समय कोई ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में पोस्ट हो जाता था तो वो उसको लगता था कि हमारी बहुत ही साइड पोस्टिंग हो गई है, ठीक है ना? और वो वहां नहीं जाना चाहता था, ठीक है। आज की डेट में लाइन लगी है, लोग इन्हीं विभागों में जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार को संरक्षण दो और बिना कुछ किए पैसे अपने आप मंत्री लग जाएगी आपको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब जैसे मान लो ये हो गया है, पुलिस का काम जुआ सट्टा मक्कारियां रोकना है, अवैध दारू ना बिके, सब में सहभागिता होती है। एक्साइज डिपार्टमेंट का जो काम है उसको जो है ना इलीगल गांव-गांव तक जो है दारू पहुंच गई है, शराब पहुंच गई है, राइट? मतलब देखा जाए तो हमारा जो यूथ है वो लगभग स्पॉइल हो चुका है। मेरे ख्याल से मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारे फार्म हाउस पे जब भी कोई मजदूर काम करने आते हैं, आई फाउंड देम कि वो आधे दिन में ही कहते हैं कि साहब हमें आधे दिन की नौकरी वो दे दीजिए मजदूरी, और अब हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब उनकी उनकी फिजिकल स्टेमिना खत्म हो गई है। तो एक वर्ग जो कि मजदूर वर्ग को बिलोंग करता है, जिसका काम ही मजदूरी करना है, वो इंटरनली फिजिकली इतना स्पॉइल हो गया है कि वो काम करने की स्थिति में नहीं, राइट? अब अपन जैसे अज्यूम करिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखें, तो हम लीगली और इलीगली वी आर वर्किंग फॉर द डिफॉरेस्टेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपको जरूर मालूम होगा कि फॉरेस्ट में एक प्रोडक्शन डिवीजन होता है। जी जी। तो एक होता है डीएफओ जो कि फील्ड यूनिट होता है, जिसका काम जंगल का प्रोटेक्शन है, ये सब है, राइट? और दूसरा होता है डीएफओ प्रोडक्शन, उसका काम जंगल को काटना है, ठीक है? तो जो डिपार्टमेंट जंगल को काटने का है उसको हम लीगल कटाई कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन, लीगल डिफॉरेस्टेशन, राइट? और जो फील्ड वाला है वो ठेकेदारों से मिलके और पैसे वैसे जो है ना बनाते हुए जो है ना कटाई कराता है। तो कुल मिला के हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्वॉल्व हो रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का देख लीजिए आप, उसका काम वही है, जिसको रोकना होता है उसी को नाके लगा के पैसे लेके जो है ना वो प्रोटोनाइज करता है। बिल्कुल ठीक है, राइट? अब जो है पुलिस वाला जहां एक्सीडेंट होता है वहां जो है ना चालान करने नहीं जाता है, वो किनारे नूक और कंडोरों में खोजता है जहां पे कि उसको वो बैठ के वसूली कर सके। ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि, अच्छा दूसरी बात है, वो पंगे नहीं लेना चाहता है, उसे लगता है यार कि अभी तीन वालों की सवारी करो, तो जो जहां उसको सेफ लगता है वहां वो कर लेता है और उसमें लेन देन भी कर लेता है, और जहां उसे अनसेफ लगता है वहां पे वो आंख बंद कर लेता है, ठीक है? तो इसमें जो कैप्चरिंग ऑफ एविडेंस है, यदि आप उसे पब्लिक बेस कर दीजिए, जैसे हमारी जो फिलॉसफी कहती है कि ऑल वायलेशंस, राइट? एंड प्रोग्रेसिवली हम वहां पे भी कैपेबिलिटीज क्रिएट करेंगे जो आज के समय में अवेलेबल ही नहीं, ठीक है ना?
तो जैसे आपको जो आप तीन सवारी वाली बात कर रहे हैं या हेलमेट की बात कर रहे हैं या लेन का डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना की बात है या रेड लाइट जंप करना है ब्ला 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 इवन ओवर स्पीडिंग है जो कि दूर से कैप्चर हो सकती है, उस सबकी कैप्चरिंग जो है ना सीएफबी ऐप के तहत पब्लिक करे, राइट? पब्लिक ने उसे किया, जाके वो जो है ना क्लाउड स्पेस में पहुंच गया जिस जो कि नेशनल अथॉरिटी के अधीन है, राइट? नेशनल अथॉरिटी का काम है कि वो उसको उसकी लोकेशन के हिसाब से जिस थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके पास भेजे, उस थाने प्रभारी का काम है कि उसमें वो अपने डिजिटल सिग्नेचर करे, जैसे डिजिटल सिग्नेचर बना वो चालान बन गया, सिस्टम को बैकेंड से मालूम है कि कौन है, कौन गाड़ी चला रहा था, कौन इसका मालिक है, उसने चालान उसको वहां भेज दिया, राइट? अब आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट नया है उसमें 2000 से लेके 25,000 तक का जो है फाइन का प्रावधान है और बहुत सारी जगह सजाओं का और दूसरी बार करोगे तो उसको डबल और इस तरीके के ढेर सारे बहुत अच्छे प्रावधान आ गए उसमें, राइट? और लॉ एनफोर्सर यदि यही वायलेशन करता है तो अभी प्रेजेंट एक्ट में डबल द चार्ज है उसके ऊपर, मतलब इसका मतलब है कि पुलिस ऑफिसर इज कमिटिंग द सेम ऑफेंस, ही इज लायबल टू द फ्रॉम द 4,000 to 50,000। तो आम आदमी से जो पेनल्टी लगना है वो 2,000 से 25,000 के बीच में लगना है और यदि पुलिस वाला उसी का वायलेशन करता है तो उसे 4,000 से 50,000 के बीच में लगे। ये मैं हवाई प्रावधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो अभी मोटर व्हीकल एक्ट है उसके प्रावधानों की बात कर रहा हूं, राइट? बिल्कुल। अच्छा नाउ अब आप ये बताइए कि यदि हम सबसे छोटा वायलेशन पकड़ते हैं, कौन पकड़ता? पब्लिक पकड़ रही है, राइट? उसमें 2000 की पेनल्टी लगी, राइट? बैकएंड ने इंजन ने आइडेंटिफाई किया हु इज वायलेटर, उसने जो उस डिजिटल सिग्नेचर लेना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसका काम नेशनल अथॉरिटी का है, उसने उसको भेजा, उसे डिजिटल सिग्नेचर लिए, वो चालान बन गया, राइट? अब वो चालान अब आप जो है ना चूंकि सब डिजिटल एविडेंस है तो कोर्ट में जाने से भी उसे फायदा नहीं है, राइट? तो 99.9% लोग जो है दे विल राइट टू पे द फाइन, फाइन भी वहां पे सभी पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, वहीं से आप कर लीजिए, ठीक है ना? सो आप जो है चाहे क्रेडिट कार्ड, पे कार्ड, भीम पे, दिस पे, दैट पे और भविष्य में जितने और आते जाएंगे वो सब जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो इट इज ए वेरी कन्वीनियंट वे। नाउ इसका मतलब है अपन एक मिनट मान लें कि सबसे छोटा ऑफेंस यदि पूरे देश की पॉपुलेशन कैप्चर करती केवल एक ऑफेंस को, तो हम 1,37,000 करोड़ पैदा करेंगे एक बटन दबने पर, ये पब्लिक के लिए और इतना ही मनी सरकार के लिए, ठीक है? अब जो है यदि भाई एक बटन क्यों दबाएंगे, आज मान लें कि सब पूरी पब्लिक 10-10 को कैप्चर करती है, ठीक है ना? दिन भर में 10 तो कैप्चर कर ही सकती है, then this amount will become 13 lakh crore, 14 approximately 14 lakh crore rupees. Now this kind of the money is not coming from any taxation or anything. आगे चल के we do not need the money from taxation. Taxation से तो हम सिर्फ जो है ना टोकन 1 or 2%, 5% ले लें so that the keep the things account for करने के लिए। नहीं वो आपकी सारी बातें ठीक है, मैं सिर्फ तो, इतना कहना चाहता हूँ अगर ये सारी चीजें तब संभव हो जो नीचे मैसेज जाए, मेरे को मैसेज से क्या मतलब है, नीचे पुलिस वाले तक मैसेज जाए कि भैया नहीं, नहीं, मैं पुलिस वाले को मैसेज जाने से क्या फायदा होगा, पुलिस वाला तो काम नहीं करना है उसे, उसे तो उगाही करना है, म्यूनिसपैलिटी वाले भी काम नहीं करते और तो ये हम ये कह रहे हैं ना कि इसमें जो बड़ा सिंपल सी बात है, इट इज क्वेश्चन ऑफ कि एक कैपेबिलिटी क्रिएट करके सरकारों के पास जाया जाए कि साहब एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए 50% जो है ना कैप्चरर को मिलेगा। अब एक बात करिए कि एक बच्चा जो है ना अपने स्कूल जा रहा है, आते हुए उसने दो वायलेशन और जाते वक्त दो वायलेशन पकड़ लिए, और यदि वो अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंट रखता है ऑल 30 डेज तो ही वुड बी अर्निंग 1,20,000 रुपीज। उसको अपने गरीब जो है ना मजदूर पिता से पैसे की जरूरत नहीं है, वो बल्कि अपने पिता की भी देखभाल कर पाएगा। देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे को ये यूटोपिया लगता है कुछ नहीं, कुछ इसमें इसमें कौन सी चीज यूटोपिया? देखिए मैं आपको बात बताऊं, यूथ को पैसा चाहिए तो वो बिटकॉइन में जाएगा, वो शेयर मार्केट में घूमेगा, वो सट्टाबाजी करेगा, उसको फोटो भेजने से या ये पुलिस वाले से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, कारपोरेशन पुलिस वाले से पंगा,
वो तो ना पुलिस वाले के पास जा रहा है, उसने तो कैप्चर किया, बैकएंड से जहां जाना है वो बैकएंड टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी, आपने तो सिर्फ कैप्चर किया, यू आर जस्ट कैप्चर। ये कितने परसेंट को कर पाएंगे ये मैसेज? मैसेज जो है मैसेज जो है आप शब्दों से क्यों देना चाहते हैं? यदि आपने हमको पकड़ लिया राइट, और हमको 2000 देना पड़े, मैसेज मुझे पहुंच गया, सो पीपल विल गेट द मैसेज बाय बीइंग चालान। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब ये मैसेज हमें जब हमारे जब हमारे पास नोटिस पहुंच गया कि आपने ये वायलेशन किया है, ये प्रूफ है, आप देख लीजिए और नीचे पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज जो है ना 7 दिन बाद 11 बजे कोर्ट पहुंच जाइए, ठीक है ना। नाउ आई वुड नॉट लाइक टू अननेसेसरी पे टू वकील, सो आई विल मेक द पेमेंट, राइट? ठीक बात है। मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ठीक है, मैं देखो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैसेज पहुंचाओगे तो सामने वाले को लगेगा होगा कि नहीं होगा, आपकी जेब से जब 2000 रुपए निकल जाएंगे तो आपको 100% सब कुछ मालूम पड़ गया, और जो आपको नहीं मालूम पड़ा है वो आप जो है ना सर्च करके मालूम कर लेंगे। चलिए, मैं अपना अपना जो थोड़ा सा व्यू था वो दिया है। नहीं देखिए, देखो व्यू वाली बात नहीं है, देखिए मेरा ये कहना है कि इट इज ए समथिंग जो आप कह रहे हो ना, इट इज वेरी यूटोपियन, दिस इज द प्रिसाइज क्रिटिसिज्म, तो हमें यूटोपियन की बजाय ड्यूएबिलिटी की बात करना चाहिए, राइट? यदि कोई चीज बहुत आदर्श है, यूटोपियन है और ड्यूएबल है तो अपडेट में तब क्यों होना चाहिए? ठीक है, मतलब वो यूटोपियन है, आइडियल है और स्टिल ड्यूएबल है, तो इट शुड बी ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस रादर देन मैटर ऑफ सैडनेस। नहीं नहीं, मैं तो अपना व्यू शेयर नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। देखिए मैं इसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली ले रहा हूँ, बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूँ, बट डू यू एग्री विथ मी कि कोई चीज बहुत अच्छी है, यही एक उसको जो है ना करने का कारण तो नहीं बनना चाहिए ना। मेरी ओपनिंग वर्ड ये थी कि आपके साथ ही नहीं बल्कि मैं अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, मैं योगदान करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरा एरिया है सिविल लॉ का, मैं उसमें आपके साथ हूँ। और देखो देखो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप लॉ की बात अपन करें तो लॉ में एक काम अपन को ये करना है कि वी हैव टू क्रिएट द लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर ज्वाइंट वेंचर्स, क्योंकि यहां पर कोई मालिक नहीं बनेगा किसी चीज का, जो जिसका मालिक है वो ही बना रहेगा, वो ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर बन जाएगा, ही विल बिकम द पार्टनर इन क्रिएटिविटी, राइट? तो जो फार्म है, फार्मर है जो है, उसको अपने खेत के साथ बिकम योर ज्वाइंट वेंचर पार्टनर, राइट? ठीक है, एंड उसके फील्ड में जो चीज भी होना है वो थ्रू द इंटीग्रेटेड एफर्ट अपने आप हो, तो अपने आप कैसे होगी कि सीएफबी के वॉलंटियर्स और वर्कर्स होंगे, राइट? अब आपने गांव में उनको आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ दे नीड ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल सेट, तो उनको स्किल देने के लिए देयर विल बी प्रिसाइज कोर्सेस, वी वॉन्ट गो द कोर्सेस विच हैज बीन सेट बाय द गवर्नमेंट, राइट? वो तो फालतू के 3 महीने के 6 महीने के 1 साल के क्रिएट किए गए हैं, हम आपसे जितना काम कराना चाहते हैं देयर विल बी प्रिसाइज कोर्स फॉर दैट डे, दैट 7 दिन में यदि हम वो चीज आपको सिखा सकते हैं तो हम 7 दिन के बाद हम आपको 15 दिन की ट्रेनिंग क्यों, राइट? नंबर वन। नंबर टू, इफ वी फील वी हैव टू स्विच ओवर टू यू द सेकंड ट्रेड, then I will give the 7 days training, then as and when we need to switch over your field, ठीक है? अब now जो है इतनी सारी capacity already create हो गई, लोगों को लगा कि education बड़ा जो है फायदे का धंधा है, do you agree with me? हाँ बिल्कुल। तो इतनी सारे जो है ना कॉलेज, आपको मालूम है इंजीनियरिंग 125 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज अकेले भोपाल शहर में, ओ माई गॉड 125 से ज्यादा, हाँ ढेर सारी तो यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ढेर सारी, मतलब मेरे ख्याल से 8-10 तो होंगी, ठीक बात, 8-10 यूनिवर्सिटीज बहुत होती हैं, कभी 8-10 तो टोटल नेशन की थी। हाँ, तो नाउ दिस सुपर, और ये चल ही नहीं है, राइट? इतने लोग ही नहीं है उनको अवेल करने के लिए, नाउ इन यूनिवर्सिटीज में हम ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चले बाय हैविंग ए ज्वाइंट वेंचर विद देम, इट विल क्रिएट सम जो है ना अर्निंग फॉर देम टू, राइट? ठीक है। नाउ जो है एग्रो इंडस्ट्रीज से बात करके
उनसे हम जो है ना डिलीवरेशन करें, हमारी टेक्निकल टीम डिलीवरेशन करें कि आपके जो इक्विपमेंट है वो प्रेजेंट फॉर्मेट में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो आप इसमें RFID लगाइए, आप इसमें GPS लगाइए, इसमें आप IoT डिवाइस लगाइए, राइट। और जहां कहीं संभव है थोड़ा सा सिस्टम करके हम उसको एथेनॉल ड्रिवन कर देंगे, जिससे कि हमारी POL पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, राइट। हम उसके ऊपर जो है ना सोलर पैनल लगाएंगे, इस तरीके के काम करके वी विल, हमारा जो नेचर से बाहर का जो पैसा जा रहा है, नेचर के अंदर का तो सब चीज मुफ्त हो रही है। नेचर आपको किसी चीज के लिए पैसे मांग रही है क्या? नहीं नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है। तो ना तो वो आपसे करेंसी मांग रही है, ना कॉस्ट है उसकी, राइट। नाउ हम लोगों ने एक कॉस्ट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसी कॉस्ट को स्ट्रक्चर को हमने एक दूसरे तरीके से बाय हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, हमने उसको एक लार्ज पीरियड पे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। और हमने उसकी लोडिंग जो है उसपे नहीं होने दी है, तो कंज्यूमर एंड पे जो है ना, क्योंकि कॉस्ट की लोडिंग नहीं हो रही है, तो कंज्यूमर एंड पे जो है हमारी फिक्स प्राइस पे ही जो है ना उसको चीजें मिलने लग जाएंगी, राइट। इसमें जो ट्रांसपोर्टर से लेके एवरीबडी वुड बी द पार्टनर ऑफ द CFP, जिसके पास हमें एग्रेसिवली जाना पड़ेगा, डिटेल डिलीवरेशन करना पड़ेंगे, ज्वाइंट वेंचर्स के फाइनल पॉइंट्स डिसाइड करना पड़ेंगे, एंड रेवेन्यू फ्लो का जो है ना वो पूरा वो उसका वो रहेगा। एंड नाउ आप ये सोचिए कि जो मशीन बना रहा है अभी वो कितनी चिंता पालता है कि हम बना के किसको बेचेंगे, एडवर्टाइजमेंट करें, अब उसको कुछ नहीं पालना है, उसको तो यदि वो 24 घंटे अपनी फैक्ट्री चला सकता है तो 24 घंटे चलाए, क्योंकि उसकी मशीन बन के कहां जाएगी ये तो CFP डिसाइड करेगी ना। CFP उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट और मशीन दे के कहां काम करने जा रही है वहां पे पहुंचा दे रही है। अब आप एक सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं खोजना है। अभी क्या है कि आपने एक डिग्री की, तो पहले तो आप कंफ्यूज है कौन सी डिग्री करना है, राइट। फिर डिग्री लेके आप घूम रहे हैं बाजार में कि भैया मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट दे दे, राइट। हियर वी विल नॉट गो फॉर द डिग्री एट ऑल, वी विल गो फॉर द सर्टिफिकेशन कोर्सेस। सो हम जो है ना आपको सर्टिफाई करेंगे, खुद ही सर्टिफाई करेंगे और खुद ही एम्प्लॉय करेंगे आपको, एंड आपको रेवेन्यू मिलेगी वर्क बेसिस पे, सैलरी किसी को नहीं मिलेगी। एंड सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी, जो हमने टारगेट बनाया है कि हम 48,000 रुपीज पर मंथ का अपने लोएस्ट वर्कर को जो है परचेजिंग पावर देना चाहते हैं। गुड गुड गुड। तो इसका मतलब है कि एक लेबर फैमिली में यदि चार वर्किंग मेंबर हैं तो दे वुड बी हैविंग अर्निंग ऑफ, इफ दे विश टू, क्योंकि उसको सैलरी नहीं मिल रही है, उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है, राइट। तो यदि वो अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगाएगा तो रेवेन्यू स्ट्रीम उतनी कम हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। बट यदि वो अपनी एनर्जी लगाता है तो इजिली ही कैन अर्न 50,000 रुपीज पर मंथ। इसका मतलब है फैमिली के चार मेंबर हैं तो उस फैमिली की इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। आज वो 5,000 नहीं कमा पा रहा है, 10,000 नहीं कमा पा रहा है, हिज टोटल अर्निंग इज लेस देन 15,000 रुपीज। तो इट विल बी ए बिग गेम चेंजर एंड इट इज क्वेश्चन ऑफ प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम। ये पार्ट थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, इट इज ए गेम ही है कि सबको इंटीग्रेट कर ले। एंड आप मैं ये कह रहा हूं, फिर पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई करके उसमें देखिए इसमें पर्टिकुलर एरिए के लिए हमने क्या किया, हमने ढेर सारे एरिए तय कर लिए, ठीक है ना। अब उस ढेर सारे एरिए में ओपिनियन लीडर्स, उसके जो ग्रुप लीडर्स हैं वो अलग होंगे। जैसे जूम करिए आप आयुष डायमेंशन में काम कर रहे हैं, राइट। तो उसमें जो है देयर विल बी द डॉक्टर्स एंड अदर उससे रिलेटेड लोग रहेंगे, राइट। अब अभी अज्यूम करिए आप एग्रो डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो उसमें जो है ना फार्मर्स रहेंगे, उसमें जो है आपके एग्रो मशीन्स वाले रहेंगे, अब उसमें एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले रहेंगे, राइट। क्योंकि इसमें हर खेत में गौशाला होगी, राइट। तो उस गौशाला के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर हमें सोलर पैनल भी लगाना है, तो जो सोलर पैनल बना रहा है वो भी दे हैव टू बी अवर पार्टनर। उसमें हमें गौशाला के लिए ध्वनि यंत्र लगाना है, क्योंकि वहां मंत्रों को भी चलाना है हमें, ठीक है। फिर हमें ऑटोमेटेड वहां पर हवन भी चलाना है, तो वो हमें मंत्र जो है ना पंडित जी को बुलाएंगे तो पंडित जी तो लपर लपसी चाट जाएंगे, वो तो अच्छे ढंग से मंत्र बोलेंगे ही नहीं।
तो मंत्रों का विशुद्ध उच्चारण के साथ जो ना हवन हो ये सुनिश्चित करना है हमें, राइट। तो इसके इक्विपमेंट जो है ना बनेंगे, राइट, और उनके इक्विपमेंट जो है उसको बेचने का काम नहीं करना है, सामने वाले को सिर्फ समझना है क्या बनाना है, क्योंकि उनको कहां पहुंचाना है वो तो सीएफपी डिसाइड करेगी। तो यू कैन प्रोड्यूस इट 24 आवर ए डे, एंड उसका जब आपको मार्केटिंग नहीं करना है तो आपके बहुत सारी ओवरहेड कॉस्ट खत्म हो गई, राइट। यदि आपको रॉ मटेरियल पे कोई प्रॉब्लम है तो सीएफपी विल सपोर्ट यू टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल एट योर फैक्ट्री। तो जो इस इकोसिस्टम में द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, मतलब मैं ये महसूस करता हूं कि हमारा ग्रोथ रेट 10% नहीं होगा, 10 times होगा। मतलब इंडियन इकोनॉमी में ग्रो बाय द 10 times। आज हम यदि 100 रुपए पे बैठे हुए हैं तो अगले साल 1000 रुपए पहुंच सकते हैं, दैट मे बी अवर ग्रोथ रेट। चलिए मैं फिर आपका प्रोग्राम आज तक है, फिर आप कितने बजे सोच रहे हैं निकलने की और क्या? मैं जो मेरी फ्लाइट लेट नाइट है। अच्छा, सो आई एम अवेलेबल। मुझे केवल इसमें ये लग रहा था कि हम लाइक माइंडेड लोगों को टास्किंग करें, ठीक है ना, कि भैया देखो तुम पूरी चीज समझने में एनर्जी खर्च मत करो, राइट। तुम यदि बाला पूरी चीज समझ लो नाउ, पूरी चीज आपको सिर्फ इसलिए समझा जा रही सो दैट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। आपको तो उसका छोटा पार्ट करना है, राइट, एंड यू आर मास्टर ऑफ दैट पार्ट, राइट। बट इट विल नॉट बी डन इन द प्रेजेंट वे। जैसे अभी जैसे हम पिटीशन लिखते हैं तो हम अलग तरीके से पिटीशन लिखते हैं, सीएफबी आपके तरीके से पिटीशन नहीं लिखेगी। वो किस तरीके से लिखेगी कि देखिए मेरी ये कानूनी जिम्मेवारी है, ये आपकी कानूनी जिम्मेवारी, आप कृपया अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप FIR दर्ज करें, कहीं नहीं आएगा। जब हम उसी मैटर को SP पे ले जाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि भाई हमने अपनी कानूनी जिम्मेवारी 39 CRPC के तहत निर्वहन करते हुए हम आपके थानेदार के पास पहुंचे जिसकी 154(1) में कानूनी जिम्मेवारी थी, जिसने निर्वहन नहीं किया है। अब आपसे जो है ना मैं अनुरोध करता हूं 154 के तहत ये आपकी भी कानूनी जिम्मेवारी है, कृपया अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, और चूंकि आप जो है ना उस थानेदार के प्रशासकीय अधिकारी हैं लिहाजा उसके द्वारा ये कार्रवाई नहीं की गई है, इसमें उसकी प्रशासकीय जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। नाउ दिस इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, राइट। और आपका बैकएंड इंजन एक्युमुलेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, वो कहेगा साहब जो है ना अभी इसके बाद वो एक विधानसभा का क्वेश्चन बना देगा बैकएंड में, और ये काम ऑटोमेटिक होगा उसमें जो है, बैकएंड इंजन अकुमुलेशन करके ड्राफ्टिंग विल बी ऑटोमेटिक, राइट। तो वो जो है 2 मिनट में पहुंच जाएगी जो है ना टू द अपोजिशन मेंबर। यदि अपोजिशन मेंबर के पास जो है बड़ा गट्ठे के साथ यदि कोई चीज पहुंचेगी, किस प्रशासकीय विभाग में हिम्मत है कि वो रिकॉर्ड से लड़ सके? कौन सी सरकार है जो कि जब उसको कहा जाएगा कि भाई साहब आप जो है सही मायने में शासकीय सेवक हैं, आप जो है को सरकार बनाने के लिए आप इस संविधान के माध्यम से आए हैं, इस संविधान ने Schedule 7 के तहत List 2 के तहत आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, और यदि आप इन जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको धराशायी करने की व्यवस्था इसी संविधान ने Article 356 में की हुई है। आप मठाधीश क्यों बने हुए हैं? माननीय ममता बनर्जी जी, आप जो है ना कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, यह करने के लिए आप सक्षम नहीं है। आपको यह मुगालता है क्योंकि संविधान को सही ढंग से इन्फोर्स नहीं किया गया। आप बताइए मुझे। नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं, मैं ये, नहीं आप ये बताइए, यदि हम 80% आपकी FIR नहीं हो रही है और ये डाटा हम हर बार जो है ना विधानसभा में पेश करेंगे और फिर हम गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगे कि साहब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसके बारे में रिपोर्ट भेजो, हमें डिटेल दे रहे हैं कि देयर इज अ फेलियर ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी, फिर जो है ना एक PIL लगा देंगे कि साहब गवर्नर साहब अपने जो है ना पद का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर अभी क्या हो रहा है कि हमने सभी लोगों को मठाधीश बना दिया है। माननीय महामहिम गवर्नर महोदय, अरे गवर्नर महोदय आपकी जिम्मेवारी है कि आप इन चीजों पर नजर रखेंगे और एक पीरियोडिक रिपोर्ट जो है ना भारत शासन को भेजेंगे, तो मैं आपको पूरा मादा दे रहा हूं, आप उनकी रिपोर्ट भेजिए, क्यों नहीं भेज रहे हैं?
अच्छा, मेरी 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 ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें ठीक है, मगर किसी एक फील्ड से तो शुरू करें ना, बाकी तो नहीं नहीं करें। देखिए देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम इसको सीड माने कि आगे चल के वृक्ष बनना है, तो जहां जहां उपजाऊ जमीन मिल रही है, जो जुड़ता जा रहा है, उसके फील्ड में एक सीड फेंक देंगे, तो बहुत सारे पेड़ से बहुत सारी जगह उग जाएंगे। जहां जहां से लोग जुड़ते जा रहे हैं, वहां वहां पे फील्ड फेंकते जाए। ठीक है, मेरे को बताइए मैंने क्या करना है फिर। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे जो है वीडियो ऑडियो सुन ही रहे हैं, आप शांति के साथ बैठ के जो ना एक वो बनाइए कि दिस कुड बी माई रोल। ठीक, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, क्योंकि मैंने तो आपका रोल ऑलरेडी सोचा हुआ है। तो यदि हम आपसे कहेंगे तो आई एम इम्पोजिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। नहीं, और जस्ट जस्ट ए मिनट, यदि आप दिमाग लगा के सोच के कहेंगे तो हो सकता है कि आप वो चीज सोच पाए जो मेरे जहन में ना हो, नंबर वन। नंबर टू, देन यू विल हैव द ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं ये तो मैंने जिम्मेवारी ली है, मुझे करना है। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि मैं क्या इनपुट दे सकता हूँ, क्या योगदान दे सकता हूँ, क्या मैं ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मगर आपके मन में जो है वो तो मेरे से शेयर करो ना, मैं इमीडिएटली मैं एग्री करता हूँ। देखिए, जैसे मुझे लगता है कि एक तो हमें टीम बनाना है वकीलों की, राइट अप टू द जहां तक की कोर्ट है, राइट? ठीक है, उसमें क्या है कि हम क्या सोच रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को जो पहले बहुत फ्रंट एंड पे हम ला रहे थे, अब हम टेक्नोलॉजी को मिड पाथ पे ले जा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे अज्यूम करिए कि पहले हम टेक्नोलॉजी से सेक्शन लगवा रहे थे, राइट? अब हम डेलिबरेटली ये सेक्शन वकील से लगवाएं, राइट? और बैकएंड टेक्नोलॉजी, वो सेक्शन लगाने का आपका जो ना ड्राफ्टिंग और उसको सीखती जाएगी पैटर्न में पीछे बैकएंड पे, राइट? तो ये काम टेक्नोलॉजी आपको सजेस्ट कर सकती है, राइट? मतलब वो आपको प्रपोज कर देगी कि ये सेक्शन बन रहे हैं, देन यू आर द फाइनल पर्सन टू डिसाइड कि हाँ यही सेक्शन लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है ना? ठीक है, लाओ। सो इसमें हम जो है आपके लीगल ब्रेन के साथ साथ आई एम क्रिएटिंग यू विटनेस फॉर द FIR, राइट? अब वो उस डिवाइस को लेके जो है ना, जो एक बंदा जा रहा है जो कि ही इज नॉट ए वकील, राइट? सो ही विल बिकम द विटनेस टू द विक्टिम। मतलब जो है ही, यदि मान लो वो क्राइम सीन पे पहुंचता है और दूर से उसके फोटोग्राफ लेता है और उसका जो बैकएंड इंजन उसको बताता है कि इतने दूर से ये इतने फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। आजकल 3D टेक्नोलॉजी एक आ गई है जो कि वो सब चीजें क्रिएट कर सकती है कि आप जो है ना गोली कहां से चलाए हैं, ये कहां से चलाए हैं, वो आपकी थ्योरी को वेरीफाई कर सकती है। ऐसा पावरफुल जो है ना सॉफ्टवेयर आर ऑलरेडी अवेलेबल, इट हैज बीन डन बाय द जर्मनी, राइट? तो उन सब चीजों को जो उनको हम पार्टनर बना लेंगे अपने काम में, उसमें क्या दिक्कत आती, उनको धन मिलेगा, ठीक है ना? तो हम जो है वी विल क्रिएट द एक्स्ट्रा विटनेस अदर देन द पुलिस, ठीक है ना? तो हमारी जो प्रोसेस होगी दैट विल नॉट बी बेसिकली सस्पेक्ट। अभी जो है ना फरियादी बदल जाता है, वो कहता है कि साहब मैंने तो ये बात की नहीं, पुलिस वाले ने अपने मन से लिखी। नाउ ये कहने का उसे हक वो ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस जो भी बात वो कह रहा है उसका वीडियो ऑडियो अवेलेबल है, उसी समय वो डेट टाइम लोकेशन के साथ जो है ना उसको सील कर दिया गया है, इनक्रिप्ट कर दिया गया है, एस वेल उसे लॉक कर दिया है। नाउ कोई भी टेक्नोलॉजी उसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ भी करेगी तो एस वेल्यू बदल जाएगी, राइट? नाउ वो बंदा आसानी से ये बात नहीं कह सकता है, राइट? अब जो बंदा गया है जो कि जिस जो जो ऐप के माध्यम से वो FIR कैप्चर कर रहा है, he has become the witness to the process of FIR, he has become witness to the physical appearance of the shape of the victim at that moment of the time, and he has become the witness to the scene of crime also. Now, अभी जो है ना जो बात पुलिस लिख रही है, as you know, पुलिस के द्वारा तो कोई भी लिखी गई बात कोर्ट में जो है can only be used for the contradiction but not for the corroboration. तो वो तो अपराधी के हित के लिए यूज हो सकती है। जो हमारे विटनेस होंगे इनकी हर बात एडमिसिबल होगी, इंक्लूडिंग इफ somebody confesses against in front of him। वो जो है कानून की धारा एविडेंस एक्ट की 2526 से जो है ना सफर नहीं करेगी, और 27 की लिमिटेड चीज से भी वो सफर नहीं करेगी। वो तो उसको तो अनलिमिटेड हर चीज उसकी एडमिसिबल होगी कोर्ट में अंडर सेक्शन 8 और 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट। मतलब ये थिंकिंग जो है ना बहुत एग्रेसिव थिंकिंग के साथ जाना पड़ेगा।
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी इंटेंड टू जो है ना रीच आउट टू द जुडिशरी, हम अपना सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं. वी विल गो टू द जुडिशरी, वी विल से कि सर वी विल हेल्प यू, हम 15 दिन में आपका जो है ना केस को कन्विक्शन कराएंगे, 24 घंटे कोर्ट चलेंगी, पैरेलल में कोर्ट चलेंगी. वो माया बैकएंड पे हम क्रिएट कर रहे हैं. क्योंकि क्योंकि देखिए बेसिकली किसी ने कल मैं कहीं से मिलने गया था, मेरा एक मित्र था, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माय आईएएस, तो वो बोला कि बड़ी अच्छी बात कही उसने. वो बोला देखो सोचने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है, तो तुम सोच पा रहे हो तो तुम क्रिएट भी कर पाओ, क्योंकि तुम पूरी मेथोलॉजी के साथ आ रहे हो, तो क्रिएट कैसे नहीं होगी चीज. आपको ऐसी बात तो कह नहीं रही हो जो कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कि रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हो. यू आर टॉकिंग विच इज डूएबल टूडे, आज ही हुए होने लायक वो चीज है. यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ सम टेक्नोलॉजी विच इज जो है ना कमिंग फ्रॉम द स्काई. नो, इट इज नॉट, इट इज अवेलेबल, इट इज फंक्शनल टूडे. वो चूंकि डिसइंटीग्रेटेड फॉर्मेट में है इसलिए, और दूसरी बात है कि इसको हर कोई लिमिटेड ढंग से जो ना यूज करना चाहता है. आज जो है नेता पुलिस को इंप्रूव नहीं करना चाहता है, वो पुलिस को गाली देके वोट कबाड़ना चाहता है. ठीक है, मतलब दैट इज द प्रॉब्लम. तो यदि हम जुडिशरी की मदद करेंगे, देखो भाषण देके मदद करेंगे तो मदद नहीं होगी. यदि हम सिस्टम लेके जाएंगे, हे यू प्लीज चेक द सिस्टम, दिस विल बी वर्किंग दिस वे एंड इट इज कंप्लायंट विद द ऑल प्रेजेंट एग्जिस्टिंग लॉ कंडीशन, तो अब आप क्या प्रॉब्लम है आपको. और कोरोना ने बड़ी मदद कर दी, मुझे तो लगता है कोरोना क्राइम फ्री भारत के लिए ही पैदा हुआ है. क्योंकि उसने जो है ना वो सब जो है वर्चुअल कोर्ट से लेके वो सब फंडे कर दिए जो हम बात कर रहे हैं. हम बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक है. सो इट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड इकोसिस्टम विच सीएफबी हैज कॉन्सेप्टलाइज फॉर इटसेल्फ, राइट. तो वो अब ऑलरेडी यूज में भी है, तो अब क्या प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से इसके बाद अपन बात करेंगे. और इस अब आगे बात अपन करेंगे वो टीम से, जिससे कि हमारा वीडियो, ठीक है ना, वीडियो विल में इम्पैक्ट और विल क्रिएट ए बेटर इम्पैक्ट. ठीक है जी, है ना. तो हम आप अपनी ईमेल आईडी मुझसे शेयर करिए और मैं जो है ना आपको एक लिंक दे दूंगा, तो भविष्य में अपनी बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी. दैट लिंक विल बी परमानेंट फॉर यू. ओके, राइट राइट मोहम्मद जी, थैंक यू. थैंक यू. ओके जी, नमस्कार नमस्कार.